दोस्तों, मैं राजेश मौर्य एक नए वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन चीज समझने वाले हैं कि पर्टिनेंट फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, लिंक एक्टिव हो गया है, करवा सकते हो आप, तथा जो उसका लास्ट होगा, ये सारी चीज आपको हम फर्स्ट बता दिए। सेकंड, पर्टिनेंट का जो काउंसलिंग कौन करवा सकता है, फिफ्थ राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो आपका थर्ड नंबर पर या लास्ट नंबर पर आता है कि पॉलिटेक्निक फिफ्थ राउंड के काउंसलिंग में किसको किसको कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, जेई का जैसे आप सर्च करोगे, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है या कोई अपडेट देखना रहता है तो आप जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाया करो और यहीं से देख सकते हो जो एडमिशन सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसी पर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा और नीचे जैसे आप आओगे तो आपको हर नॉलेज, हर जानकारी यहीं से मिल जाएगी, है ना। ये देखिए, थर्ड राउंड तक कितने बच्चों ने क्या है आपको सीट रूट पाया, ये सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विड्रॉल कैसे करना है, प्रोसेस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर ये कट ऑफ वगैरह संबंधित आपको हर चीज़ मिल जाएगा, यहीं से आप क्या है प्राप्त कर सकते हो। थर्ड, अगर यह बहुत अच्छी चीज़ हम बात करते हैं तो जो इस पर मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ऑफ राउंड फिफ्थ जेई कप काउंसलिंग, है ना। तो फिफ्थ राउंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो इसी लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे, ओके करने के बाद में यहीं पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में आप कॉलेज चूज, अगर आप न्यू हैं तो रजिस्ट्रेशन करिएगा, यहाँ से नीचे आकर रजिस्ट्रेशन करिएगा। हालांकि न्यू कैंडिडेट नहीं बचे होंगे, और जो एकदम नए हैं, जी हाँ दोस्तों, एकदम नए रजिस्ट्रेशन करिए। जो पुराने हैं, जिनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक बार रजिस्ट्रेशन अगर आप कर चुके हो एक राउंड से लेकर अभी तक फोर्थ राउंड तक या फाइव राउंड तक, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, जैसे आप डालोगे यहाँ पर आपको चूज करना होगा, उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालकर और अंदर आपको क्या है पासवर्ड अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी के लिए नहीं डाल रहा हूँ, तो ये वायरल हो जाए, इसीलिए फिर क्या है यहाँ पर अपना जो सिक्योरिटी पिन है इसे आप यहाँ पर डाल दीजिए, और क्या है आप आसानी से काउंसलिंग करवा पाओगे। अगर नहीं करवा पा रहे तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आप अपना पासवर्ड हमें दीजिए, मैं आपका काउंसलिंग अब कर दूंगा, क्योंकि आप इतने टाइम क्या है किसी साइबर कैफे वाले के पास नहीं जा सकते हो। अगर आप खुद कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना जो पासवर्ड है उसे आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, पर्सनल मैं कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके लिए आपको मैंने क्या है अभी तक रोक कर रखा हुआ है। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ आती है कि जो आपकी फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग है या पांचवें चरण की जो काउंसलिंग है उसे करवा कौन सकता है, फाइव चरण की काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए, अगर एक ही शर्त है, अगर आपने क्या है जे कप में अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है, जे कप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। चाहे आपने जैसे बात करें कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में आपने करवाया था, कॉलेज नहीं मिला था तो भी आप करवा सकते हो। कॉलेज मिला था, आपने डीबी नहीं करवाया, एडमिशन नहीं लिया या पैसा नहीं जमा कर पाए तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया है फोर्थ राउंड में अगर कॉलेज मिल गया है, उस पर अगर आपने ना फ्रीज किया है ना फ्लॉट किया है, तब आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। फोर्थ राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तब आप काउंसलिंग करवा सकते हो, यानी अगर आपने अभी तक एडमिशन कहीं पर नहीं लिए हो तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, फिफ्थ राउंड की जो आपकी काउंसलिंग है इसमें कितने रैंक या कितने नंबर तक या कितना रैंक होना चाहिए तो आपको कॉलेज मिल जाए। देखिए, फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है आपकी, ये एक तरह की क्या है लास्ट काउंसलिंग है, अंतिम चरण है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप जब अच्छे से देखोगे तो जो आपकी काउंसलिंग है वो 1 से लेकर 5 राउंड तक है, बाकी जो 6 राउंड से लेकर आपकी 8 राउंड है, यानी कि 6, 7, 8 राउंड की जो काउंसलिंग है वो क्या है दोस्तों, एक तरह की आपकी स्पार्ट काउंसलिंग है। हालांकि जैसे इसमें होता है वैसे उसमें होगा, लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक कॉलेज ही चूज करने के लिए मौका मिलेगा। तो अगर आप क्या है नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। नेक्स्ट, जब छठवीं चरण की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप अगर बात करें किसको कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर आप जैसे अगर सिविल चाहते हो, सिविल वगैरह के लिए, तो अगर 40,000 से भी अगर आप तक रैंक है सिविल के, अगर 40,000 तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे अगर आप पेडिकल चाहते हो, मकानगर चाहते हो, तो समथिंग अगर आपके क्या है 55 या 60 तक आपके अगर रैंक हैं तो फिफ्थ राउंड में कॉलेज मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा और फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपको करवाना होगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है फोर्थ राउंड में एक स्टूडेंट ने भेजा था, 46,000 उसका रैंक है और उसको क्या है होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ, यानी जिसका
जिस स्टेट से है या जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या है उसे कॉलेज मिल गया है। तो अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल चाहते हो, केमिकल के लिए तो और ज़्यादा 60-70-80 तक आप भी ले सकते हो। तो अगर आपके रैंक थोड़ा सा कम है यानी कि 50 तक है तो आप जो चाहते हो वो आप डालिए, लेकिन अगर आप 50 प्लस है जैसे 80,000 है 90,000 है तो थोड़ा सा आपको ऐसे भी कॉलेज चूज करना होगा जो हाँ का रैंक कम रहता है, जैसे केमिकल भी ले लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर नहीं इंटरेस्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मिलने के बाद में आप उसे छोड़ ही दोगे। तो दोस्तों आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइए। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं कि काउंसलिंग में आपको कोई दुविधा आ रही, कैसा भी अगर आपको परेशानी आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का हमारा चैनल बना हुआ है नेम है सिलेक्शन विथ राजेश, तो उसे आप जैसे ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको हर सुविधा मिल जाएगी। तथा मित्रों के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाला हर वीडियो हर अपडेट, क्योंकि 6 राउंड में 8 राउंड में बहुत अंतर है, वहाँ पर आपको हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा, एक ही कॉलेज आपको डालने का मौका मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।